यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस से युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर अमेरिका पहुंचे हैं, जहां पर वे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले और व्हाइट हाउस में इस मुलाकात के बाद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेनियन दुनिया का सामने आदर्श रख रहे हैं। और इस बीच बाइडेन प्रशासन ने घोषणा की है कि वह यूक्रेन को 1.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान करेंगे। इसमें पैट्रियट मिसाइल बैटरी के लिए धन मुहैया कराना भी शामिल है। और हालांकि बाइडेन ने बाद में ये भी कहा कि यह सिस्टम एस्केलेटरी नहीं डिफेंसिव है और हमें अच्छा लगेगा कि वे इसका इस्तेमाल न करें, बस खुद पर हो रहे हमलों को रोकें। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति ने भी अमेरिकी सपोर्ट की दिल खोलकर तारीफ की। और यहाँ पर हालांकि इस चर्चा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन ने कहा कि ये मीटिंग पुतिन को एक महत्वपूर्ण संदेश भेजती है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की और मैं एक साथ हैं।